छोड़ लीजिए, नया साल आ गया। लेकिन टीवी के लिए 2017 भी कुछ कम अमेजिंग नहीं रहा। साल 2017 में कई शोज ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, तो कई एक्ट्रेसेस भी पूरे साल छाई रहीं। आज 2017 की उन्हीं टॉप 10 बहुओं से हम आपको मुखातिब कराएंगे, जिनके किलर लुक्स और दमदार किरदार ने आपके दिलों को जीता। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, दिव्यांका त्रिपाठी उर्फ इशिमा। स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में इशिता भल्ला के किरदार से दिव्यांका ने ऑडियंस का खूब दिल जीता, और इस बात का बड़ा एहसास तब हुआ जब ईयर एंड के दौरान उनकी मौत वाले ट्विस्ट ने फैंस को अपसेट कर दिया। नंबर दो, जेनिफर विंगेट उर्फ माया। सोनी टीवी के शो बेहद में साइकोटिक लवर माया मैडम के किरदार से जेनिफर विंगेट ने ऑडियंस के दिलों में एक खास जगह बनाई थी। ग्रे शेड के बावजूद वो शो की हीरोइन थी। नंबर तीन, सुरभि उर्फ अनिका। इश्कबाज में अनिका का इनक्रेडिबल सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे भूल सकते हैं हम, साथ ही इनकी शिवाय के साथ इश्किया भी खूब पसंद आई हैं। नंबर चार, एरिका फर्नांडिस उर्फ सोनाक्षी। सीरियल कुछ रंग प्यार के ऐसे भी तो खत्म हो गया, लेकिन सोना आज भी फैंस के दिलों में राज कर रही हैं। लोग अब इस इंतजार में हैं कि फिर से डॉक्टर सोनाक्षी लौटें। नंबर पाँच, मौनी रॉय उर्फ शिवांगी। वैसे तो अब मौनी रॉय टीवी की नागिन नहीं रही, लेकिन टीवी पर जब भी नागिन का जिक्र होगा तो मौनी रॉय का नाम जरूर आएगा। पिछले साल भी उनके शो नागिन में फैंस ने उन्हें खूब पसंद किया। नंबर छह, नायरा उर्फ शिवांगी जोशी। हिना खान के शो छोड़ने के बाद ऐसा लगा था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में कोई और उनकी जगह नहीं ले पाएगा, लेकिन नायरा के किरदार से एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली, और वो कामयाब भी रही। उनके और कार्तिक के बीच की केमिस्ट्री शो की मेन हाईलाइट है। नंबर सात, श्रुति झा उर्फ प्रज्ञा। जी टीवी का शो कुमकुम भाग्य साल 2017 का हाईएस्ट टीआरपी वाला शो रहा। इस शो में प्रज्ञा के किरदार से श्रुति झा ने ऑडियंस को बांधे रखा। हालांकि ये तो थी वो सात एक्ट्रेसेस जिन्होंने 2017 में राज किया, लेकिन एक्ट्रेस अनिता हसनंदानी, कृतिका सिंगर और शक्ति फेम रुबीना भी कम हाईलाइट नहीं रही। इन हीरोइंस ने भी खूब अवार्ड जीते, और अब हम उम्मीद करते हैं कि टीवी की इन हसीनाओं के लिए साल 2018 भी उतना ही अच्छा रहे जितना साल 2017 गुजरा। और साथ ही हमारी तरफ से भी आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।